Assalamu alaikum dear students, I am coming again here with a topic and that topic is related to normal force. Okay, very nice. I am continuing the same topic that I was discussing there in my previous lecture. Okay, very nice. So beta, main aaj continue karunga yahan normal force because I already discussed this normal force there in my previous lecture. Okay, very nice. So start karenge yahan normal se, lekin beta karenge aaj numericals karenge again iske bare mein, theek hai na? To let's see here. Okay, very nice. So yahan continue karenge dear students normal se, to normal force yahan discuss karenge beta, lekin numericals karenge, numerical ke zariye ek concept clear karenge, theek hai na? Okay, very nice. Dekho beta kya hai. तो पिछले टॉपिक में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ओके वेरी नाइस, और आज कुछ और मजीद क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है. ओके वेरी नाइस. और इसके बाद क्या होगा बेटा, मैं यहाँ लूंगा इसके बाद टेंशन, और टेंशन के बाद डिस्कस करूंगा बेटा यहाँ फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन के अलावा हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग फोर्स, एंड दीज आर ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो बेटा स्टार्ट करेंगे विदाउट यूर वेस्टिंग टाइम. ओके वेरी नाइस. तो बेटे यहाँ स्टार्ट करेंगे आज एक जबरदस्त न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन. ओके वेरी नाइस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, क्वेश्चन नहीं है कंसेप्ट है, और कंसेप्ट के बाद क्वेश्चंस बहुत है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस है आज. ओके वेरी नाइस. देखो बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर मैं बेटा यहाँ एक ऐसे लूंगा, सी हियर, अगर मैं एक दिस इज लाइक, ओके दिस इज वॉल, ओके वेरी नाइस, दिस इज ग्राउंड, ठीक है ना, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हियर. ओके वेरी नाइस. दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज वॉल, दिस इज ग्राउंड. ओके वेरी नाइस. देखो बेटे क्या है, अब मैंने इस पर एक ऐसे रखी है ना, एक रॉड ऐसे रखी है बेटे, एक रॉड ऐसे रखी रॉड में मैंने बेटा यहां एक रॉड ऐसे रखी इस पर. This is a rod here. Okay, very nice, dear students. ऐसे मैंने रखी एक रॉड, देख लो बेटे. तो देखो बेटे क्या है, ये है वॉल. ओके वेरी नाइस. अब मुझे बता यहां, here two points are in contact. ये है रॉड बेटा, इस रॉड के दो पॉइंट्स कंटेक्ट में है, एक पॉइंट यहां कंटेक्ट में ग्राउंड की, और बेटा यहां एक और पॉइंट है जो किसके कंटेक्ट में, इसका जो कंटेक्ट है यहां वॉल के. You have to find direction of normal. Okay, very nice. Direction of normal on this rod due to wall and due to ground. Find. क्या मालूम करो? Find direction of normal. Find बेटे क्या लिखा मैंने? Find direction of normal. Find direction of बेटे क्या लिखा मैंने? Find direction of normal. Okay, very nice. क्या निकालो? नॉर्मल की डायरेक्शन निकालो यार, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ तो सरफेस नहीं, सरफेस इसकी है. देखो बेटे इसके लिए क्या कर रहे हैं आपको, देखो बेटे क्या है, यहाँ देखो ये है सरफेस, ठीक है ना. नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट कॉन्टेक्ट में आता है, तो वही पॉइंट से नॉर्मल लगा, लेकिन किस पर नॉर्मल लगा, इस रॉड के सरफेस पर. तो ये बेटा ऐसे आएगा, ऐसे नॉर्मल आएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल on rod, on the surface of rod, because the surface is in contact with the wall. तो वॉल पर नहीं लगाने, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना, ऐसे गलत करते हैं बेटा. देखो क्या करते हैं, ये रॉड ऐसे है, ठीक है ना, ये रॉड ऐसे है, तो वो तो जो बच्चे हैं वो ऐसे लगाते हैं, तो ये रॉड पर नॉर्मल नहीं है ना. नॉर्मल किस पर डालना है, रॉड पर, तो ये रॉड पर है ही नहीं, ये किस सर्फेस पर डालते हैं, वॉल की सर्फेस पर डालते हैं, ऐसे नॉर्मल की डायरेक्शन नहीं है. देखो बेटा क्या है, एक बार फिर देखूंगा यहाँ, देखो बेटा कैसे, अगर मैंने यहाँ एक ऐसे, ये ऐसे है ना, ये रॉड है, देखो बेटा ये रॉड है, यहाँ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, तो ये देखो रॉड को परपेंडिकुलर लगाना है, लेकिन यहाँ खाली एक पॉइंट आता है कॉन्टेक्ट, इस सरफेस पर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप डालोगे दैट विल बी द नॉर्मल ऑन वॉल सर्फेस, बट यू हैव टू ड्रा द नॉर्मल ऑन किस पर करना है, रॉड पर ड्रा करना है, ठीक है. ओके तो क्या है, देखो जो सिंगल पॉइंट आता है, जब सिंगल पॉइंट आएगा वॉल और रॉड के दरमियान, तो जो सरफेस होगी चाहे वॉल की सरफेस होगी या रॉड की सरफेस होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो सरफेस कौन सी है यहाँ, रॉड की, तो रॉड की सरफेस को परपेंडिकुलर डालिए. देखो बेटा ओके, ये नॉर्मल है एनवन की डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर है इस रॉड के परपेंडिकुलर है. ओके वेरी नाइस. देखो बेटा अब यहां पर डालना है, इस पॉइंट पर डालना है. देखो बेटा अगेन बनाएंगे डायग्राम आपकी खातिर, देखो बेटा मैंने ऐसी बनाई. ओके वेरी नाइस, ऐसी है बेटा, देखो तो ये किसकी सरफेस है डियर स्टूडेंट, दिस इज सरफेस ऑफ ग्राउंड. ओके वेरी नाइस. तो ये किसकी सरफेस है बेटा, वॉल की. ओके वेरी नाइस.
देखो बेटे के अब यहाँ नॉर्मल आपको पता है कि नॉर्मली इस पर लगाने सरफेस पर पॉइंट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सरफेस देख रही है इसकी सरफेस की, इसकी सरफेस तो यहाँ रॉड की है, तो यहाँ आपने नॉर्मल किया ओके, ये डायरेक्शन है नॉर्मल की। यहाँ अब यहाँ क्वेश्चन है यहाँ कैसे अब नॉर्मल डालोगे, देखो बेटे के सरफेस यहाँ किसकी है, यहाँ पॉइंट तो है किसका, यहाँ रॉड का पॉइंट है, यहाँ रॉड का पॉइंट, तो रॉड के सरफेस पर नहीं डालना है परपेंडिकुलर, रॉड यहाँ वॉल की सरफेस पर डालना है, क्यों, जब भी कोई पॉइंट और सरफेस कांटेक्ट में हो तो अगर नॉर्मल डालना है सरफेस पर डालो, चाहे वो वॉल की हो या रॉड की, लेकिन यहाँ रॉड की सरफेस थी लेकिन वॉल का पॉइंट था, यहाँ बेटे किसका पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है ग्राउंड का, लेकिन ग्राउंड पॉइंट का ग्राउंड है सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रॉड का और सरफेस है यहाँ ग्राउंड की, तो आप ग्राउंड पर आप ग्राउंड की सरफेस पर डालिए ऐसी बेटा, ये होगा एन टू एंड दैट विल बी नॉर्मल ऑन दिस रॉड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके याद रखा क्या मैंने कहा, तरीका क्या है नॉर्मल डालने का, क्या क्या तरीका है, चाहे रॉड पर परपेंडिकुलर हो, थोड़ा मैंने बोलने में कुछ तो नहीं गलती तो नहीं बेटा, देखो बेटे क्या है, देखो रिपीट करूंगा, हो सकता है कि मैंने गलत तो नहीं कहा लेकिन थोड़ा बोलने में कुछ, मैं एक रॉड लूंगा एक बार फिर, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वॉल हो या रॉड का हो तो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं रखना है डालना है, यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका है बेटा वॉल का, तो किस सरफेस तो यहां किसकी है रॉड की, तो रॉड की सरफेस पर डालो परपेंडिकुलर, लेकिन वो टच करना चाहिए वॉल के पॉइंट को ओके, यहां चाहे रॉड की सरफेस हो या वॉल की सरफेस हो, लेकिन बेटा देखो क्या है, यहां आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका है यहां रॉड का, लेकिन सरफेस कौन सी है यहां सरफेस, इस सरफेस पर डालना है यहां नॉर्मल, तो वो बेटा ऐसे आएगा, चाहे वॉल की सरफेस हो या ग्राउंड की सरफेस हो चाहे रॉड की सरफेस हो, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होना चाहिए नॉर्मल, लेकिन जो सरफेस हो वहां इसी सरफेस पर डालना चाहिए, यहाँ सरफेस बेटा किसकी ग्राउंड की है, लेकिन यहाँ सरफेस है ही नहीं वॉल की, यही तक वॉल है, तो यहाँ किस पर डालना चाहिए, यहाँ डालो बेटा रॉड पर, और बेटा यहाँ किस पर डालो, यहाँ किस पर डालो, ये डालो यहाँ रॉड पर नहीं, क्यों रॉड का एक ही पॉइंट आता है, तो ये डालो यहाँ किस पर डालो यहाँ, यहाँ बेटा ग्राउंड पर डालो ओके, दिस इज नॉर्मल, दिस आर द नॉर्मल, क्योंकि क्वेश्चन में जबरदस्त हो जाए, क्वेश्चन जब होगा लैडर क्वेश्चन लैडर जब होगी ऐसी लगाएंगे लैडर सीढ़ी लगाएंगे, तो वहां देखना पड़ेगा कि नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल निकालना होता है वहां, सेम इज द केस या तो ओके लीव दिस वी विल डू द क्वेश्चन ओके, और आप निकालोगे क्वेश्चन इस तरीके से ओके ठीक है ना, वेरी नाइस ओके वेरी नाइस, तो देखो बेटे क्या है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस ओके वेरी नाइस, अगर आप देखो बेटे के आप ये है सी एक और कॉन्सेप्ट है यहां, अगर बेटा एक है यहां देखो ये क्या है, यहां एक ब्लॉक है मान लीजिए ब्लॉक बेटा ये ए लेट अस से दिस इज वन ब्लॉक एंड दिस इज अनदर ब्लॉक ओके वेरी नाइस, ये एक और ब्लॉक है यहां, एक और ब्लॉक दो ब्लॉक मैंने ले लिए ठीक है ना, और ये बेटा किस पर है ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर है ठीक है ना, एक तो नॉर्मल है यहां, एक तो नॉर्मल है पुशिंग से भी प्रेस करने से भी नॉर्मल होता है, प्रेस करने से कंप्रेस करने से नॉर्मल होता है, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टेक्ट सर्फेसिस ओके, देखो बेटे क्या है यहां तो पता है कि नॉर्मल, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है ए बॉडी और बेटे ये बी बॉडी है, कोई बताएगा कि नॉर्मल क्या है, अगर ये तो नॉर्मल है दिस इज फॉर नॉर्मल एम जी, लेकिन एक और नॉर्मल ऐसे होता है अगर पुश करेंगे बेटे, देखो बेटे कैसे करेंगे ऐसे, अगर प्रेस करेंगे कोई यहां कोई बच्चा यहां इसको धक्का देगा बेटा सी माय डियर, अगर कोई यहां बेटा ऐसे इसको धक्का देगा ठीक है ना, पुश करेगा इसको, तो पुश करने से यहां भी नॉर्मल डेवलप होता है, दैट इज फर्स्ट बॉडी दिस इज सेकंड बॉडी एंड दैट इज हियर नोन एज नॉर्मल ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट एंड दैट इज नोन एज नॉर्मल ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, प्रेस करने से अगर प्रेस करेंगे यहां ये टक्कर देगा इसे, पुश करेगा, पुश करने से नॉर्मल डेवलप होता है, नॉर्मल फोर्स डेवलप होता है इन बिटवीन द टू बॉडीज दैट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ये जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पर प्रेस करता है तो ये भी डायरेक्शन है नॉर्मल की, ये भी एड से होती है, लेकिन अगर धक्का देंगे जहां भी कंप्रेस होता है जहां भी प्रेसिंग हो रही है नॉर्मली वहां एक फोर्स अराइज हो रहा है जनरेट हो रहा है दैट फोर्स इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स, डियर स्टूडेंट्स ओके वेरी नाइस, बात आ रही है समझ में, हाँ सर आ रही बात, देखो बेटे क्या यहां बच्चे ने इसको धक्का दे दिया, तो धक्का देने से क्या हुआ बेटा यहां यहां ये नहीं चला, ये रेस्ट में है लेकिन प्रेस करने से इस पर प्रेस हुआ तो इसने वापस प्रेस किया, तो इसने इस पर प्रेस किया नॉर्मली दैट प्रेस इज हियर नॉर्मल फोर्स, तो इसने क्या किया एंटोवन, व्हाट इज एंटोवन, एंटोवन इज नॉर्मल ऑन
नॉर्मल रिएक्शन ऑन और नॉर्मल फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट की वजह से ये वाला फोर्स इसकी डायरेक्शन क्या है एन टू वन की डायरेक्शन है ऐसी जो मैंने दिखाई ऐसी ये एरो मैंने दिखाई दैट इज एन टू वन नॉर्मल रिएक्शन ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट जब भी धक्का देगा पुश करेगा यहां क्योंकि कंप्रेस करने से प्रेस करने से एक नॉर्मल फोर्स आता है ठीक है ना रिपीट कर रहा हूं आपकी खातिर बेटा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे देखो बेटे क्या एन वन टू क्या है एन टू वन व्हाट इज एन टू वन एन वन टू इज नॉर्मल फोर्स ऑन नॉर्मल फोर्स ऑन बेटे किस पर नॉर्मल फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू बेटा सेकंड ओके ये वापस देगा जैसे कि प्रेस ये नहीं चलती है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो बेटे ये क्या है ये वापस रिएक्शन देती है ऐसी every reaction there is an equivalent opposite reaction according to Newton's third law to n1 ye wapas dega n1 to so n1 to here normal force on first due to second both are perpendicular to each other and here n1 to is equal to n2 one ye Newton's law mein bhi Newton's third law mein prove karenge n1 to kis pe aata hai n2 pe jitni ye reaction yahan itna wapas aa raha hai aur ye dono bodies rest mein equilibrium of rest mein okay very nice this how normal force takes place ab mera question kya hai beta agar isko koi dhakka nahi dega kya normal force hoga zero kyun क्योंकि नॉर्मल फोर्स कोई कहेगा यहां है ना यहां तो है नॉर्मल ये भी है नॉर्मल फोर्स ये भी है लेकिन इसके अलावा ये भी है यहां हॉरिजॉन्टली भी नॉर्मल फोर्स है दैट इज नॉर्मल ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट एंड नॉर्मल ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड है कब व्हेन वी प्रेस हियर ओके वेरी नाइस देखो बेटा क्या है सीरियल ओके वेरी नाइस हालात कुछ बिगड़ गए नहीं अब हुआ सब कुछ ठीक देखो बेटा क्या है जीरो तो ये क्या है अगर ये प्रेसिंग नहीं हो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है एन टू वन एन कुछ भी नहीं है दैट इज एन टू वन इज जीरो हियर एन वन टू इज जीरो कोई कहेगा बताइए नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली में क्या आएगा नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगी जीरो क्यों क्योंकि नो कंप्रेशन नो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स इज जीरो क्यों क्योंकि कोई धक्का नहीं देगा पुशिंग नहीं हो रही प्रेस करने से नॉर्मल जनरेट होता है जैसे कि यहां नॉर्मल जनरेट हुआ यहां कोई कहता है कि अरे यहां क्या है कुछ को दो जैसे कि हम दो ईटे लाएंगे दो ईटों को ईट है ना वो लाएंगे ऐसे साफ लाएंगे कंप्रेस नहीं करेंगे क्या इनके दरमियान इनके कॉन्टेक्ट सर्फेस के दरमियान हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स है नहीं होगा तभी होगा जब कंप्रेस करोगे कंप्रेस करने से एक नॉर्मल फोर्स आता है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ओके वेरी नाइस ओके बेटा बात आई समझ में अगर यहाँ कंप्रेस करेंगे तो यहाँ जनरेट होगा एन टू वन अगर यहाँ तो यहाँ एन वन टू लेकिन बेटा यहाँ कंप्रेस हुए है ही नहीं कोई इसको कोई यहाँ फोर्स नहीं लगा रहा है तो क्या है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन वन टू यहाँ ये एन वन टू भी जीरो है एन टू यहाँ है बेटा यहाँ क्यों है क्योंकि यहाँ तो ये पुश कर रहा है ओके वेरी नाइस कंप्रेस करने से जनरेट होता है नॉर्मल फोर्स ओके वेरी नाइस ओके देखो बेटा अब न्यूमेरिकल करने है ना न्यूमेरिकल लेटेस्ट प्रोसीड हियर टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल देखो बेटा कैसे जो मैंने भी बातें आपको कही ये काम आएंगे अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में देखो कैसे सी डियर नाउ हियर वन मोर कॉन्सेप्ट हियर ओके देखो बेटा क्या अब है कि जो मैंने कहा कि कैसे डालना होता है हाउ टू ड्रॉ द नॉर्मल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कर्व्ड सर्फेसिस एंड फॉर सर्फेसिस वन पॉइंट एंड अनदर सर्फेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए ठीक है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से होना चाहिए सर्फेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए जो मैंने भी दिखाया आपको देखो बेटा ये और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल डेयर सुनने वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है देखो मैंने एक यहां सर्कल ले लिया एक बॉल ले ली और इस बॉल का मैस है एमकेजी कितना है एमकेजी और ये बॉल यहां इट इज इन बिटवीन टू इनक्लाइन प्लेन्स ये है एक प्लेन यहां ऐसी इट इज बॉल इज बिटवीन टू इनक्लाइन प्लेन्स एंड डीज टू इनक्लाइन प्लेन्स और एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री कितने डिग्री पर है 60 डिग्री पर इस बॉल का मैस कितना है 5 kg वी हैड टू फाइंड क्या करना है फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉल Find normal force on the ball due to these two inclined planes on the ball. बॉल पर जिसका मैस कितना है बेटा 2 kg इस पर क्या मालूम करो बेटा नॉर्मल फोर्स देखो बेटा कैसे पहले देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसके है यहां देखो ये टेंजेंट है इस पर टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इस सरफेस का किसका इस बॉल का लेकिन बॉल की सरफेस पर मत डालो इस पर नहीं डालना है नॉर्मल किस पर डालो क्योंकि ये है सरफेस यहां लेकिन वो इस पॉइंट पर तो इस सरफेस पर डालो जो मैंने बात कही इससे पहले रेडर के बारे में बेटा ऐसी कही क्या अगर ये है कि यहाँ पॉइंट है लेकिन यहाँ किस पर डालो यहाँ लैडर पर डालो
पर डाला है इसे। लेकिन यहां क्या था बेटा, यहां इस पॉइंट पर क्या था, इस पॉइंट पर ये सरफेस थी ग्राउंड की। मैंने कहा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही होना चाहिए, लेकिन सरफेस क्या है, सरफेस किसकी है यहां, ग्राउंड की, तो ग्राउंड की सरफेस पर डालो। यहां सरफेस किसकी है, यहां सरफेस तो बेटा इस इंक्लाइंड प्लेन की है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये टेंजेंट है इस बॉल पर, तो बॉल पर नहीं डाला है, बॉल के पॉइंट पर डाला है, लेकिन किस सरफेस पर, इस सरफेस पर, तो ये ऐसे आएगा, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल हियर, ओके वेरी नाइस। और इस पर क्या है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बेटा नॉर्मल कैसे आएगा, इस पर नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये है, बिकॉज इट इज कांटेक्ट फोर्स, ऐसी बेटा नॉर्मल, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल, ओके वेरी नाइस। सॉल्यूशन लिखिए, देखो बेटा कैसे, तो देखो बेटा यहाँ ऐसे मैंने ऐसे किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बेटा मैंने यहां बॉल ले ली, एक बॉल यहां, एक खूबसूरत सी बॉल, ये बेटा बॉल, ओके वेरी नाइस, नाउ यू हैव गॉट द बॉल, ओके वेरी नाइस। अब ये कितना एंगल है बेटे, यहाँ ये 60 डिग्री है, तो बेटा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बेटे, देखो इसका मास कितना है, मास मास इसका तो 5 kg है बेटा, हमें क्या निकलना है, नॉर्मल नॉर्मल, तो यहां बेटा ड्रा करो ऐसी, यहां बेटा ड्रा करो नॉर्मल ऐसी नॉर्मल, और बेटा यहां ड्रा करो ऐसी नॉर्मल, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। अब ये नॉर्मल वैल्यू करना है, नॉर्मल वी हैड टू फाइंड नॉर्मल हियर, देखो बेटा क्या है, सीधे अब यहां बॉल का जो सेंटर है इसका मास कितना है, द मास ऑफ द बॉडी हियर बेटा, यहां एक्ट हो रहा है सेंटर पर, तो यहां लीजिए एक पॉइंट मास तो मानेंगे इस बॉल को, ठीक है ना, ओके इस मास को, तो यहां है इसका मास, ऐसी ऐसे बेटा होगा ना, डायरेक्शन किसकी, वेट की, वेट यहां बनाएंगे बेटा, ओके यहां, तो वेट की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड, दैट इज 5 इनटू, क्योंकि इसका मास कितना है 5, मैंने इसको पॉइंट पास मान लिया यहां, तो 5 इनटू जी, जी क्या है, जी बेटा 10 है, तो कितना आएगा 50 न्यूटन्स, कितने आएंगे 50 न्यूटन्स, ये मास है, एफबीडी बनाता हूं इसकी, एफबीडी। अब बेटा यहां क्या है, देखो ये एंगल कितना है यहां, ये 60 है, अगर ये 60 है, ये नॉर्मली नॉर्मल है यहां, तो यहां बेटा 30 होगा बेटा, यहां भी कितना होगा 30, ओके वेरी नाइस, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, काम करेगा, अगर ये 60 है यहां से यहां, तो गिवन इट इज गिवन दैट इट इज 60, तो ये कितना होगा, ये एम जी, यहां डायरेक्शन एम जी की है, यहां नीचे ऐसे बेटा, तो ये क्या बनाएगा यहां 30 डिग्री बेटा, यहां भी बनाएगा 30 डिग्री, ओके वेरी नाइस। ये कितना है, दिस टेंजेंट, दिस नॉर्मल हियर इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंशियल सरफेस, ओके ये कितना है 90, तो बेटा अगर ये 30 है, ये 90 है बेटा, ये कितना होगा, ये तो होगा 60, बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, अगर ये 30 बेटा है, ये है बेटा 90, तो बेटा ये किसके बराबर आएगा, ये तो बेटा 60 के बराबर आएगा, तो ठीक है ना, अगर ये 90 है, ये बेटा 30 है, तो ये 90 है, क्योंकि ये दिस इज हियर नॉर्मल टू दिस, तो बेटा ये 90 है, ये कितना होगा 60, क्योंकि 60 प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ओके वेरी नाइस बेटा। देखो क्या है, आप निकाले यहां, देखो बेटा क्या है, सी तो ये लेंगे आगे यहां ऐसे बेटा, देखो बेटा यहां ऐसी ऐसी में इसको ऊपर लूंगा, बता ये कितना, अगर ये 60 है बेटा, ये कितना होगा 60, ओके वेरी नाइस, 1 डिग्री अपोजिट एंगल, अगर ये 60 है बेटा, ये भी कितना होगा 60, और बेटा ये किसकी डायरेक्शन होगी, देखो बेटा ये किसकी डायरेक्शन, ये होगी अभी, ये वर्टिकल की डायरेक्शन है, वर्टिकल की डायरेक्शन है, वर्टिकल मैंने ले लिया, देखो बेटा क्या है, अब ये अगर 60 है, ये भी 60 है, अगर 60 है, ये भी 60 है, देखो बेटा क्या है, अब मैं यहां ऐसे ऐसे लूंगा हॉरिजॉन्टली, यहां हॉरिजॉन्टली एक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली मैंने ले ली, ये वर्टिकल है वाई की तरफ, और बेटा ये एक्स की तरफ है, ओके वेरी नाइस। अब रिजॉल्व करो, रिजॉल्व नॉर्मल अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल, देखो बेटा क्या है, ऐसे जब इसको यहां करेंगे, तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, यहां अगर 60 है, तो ये 30 होगा, ठीक है ना, अगर यहां 60 है, तो ये कितना होगा 30, क्योंकि यहां से यहां तक 90 है, अगर ये बेटा 60 है, तो यहां ये 30 होगा, ठीक है ना, यहां ये 30 होगा, यहां ये है। अब रिजॉल्व n इनटू टू कंपोनेंट्स, यहां क्या आएगा, n cos 30, n sin 30, ये sin 30, और बेटा ये क्या आएगा, n cos 30, ये आएगा, क्योंकि अगर 30 लोगे एंगल, तो क्या आएगा, n cos 30, यहां यहां बताएंगे, ये यहां फिर डायग्राम बनाएंगे, एन कॉस 30, एबीडी बना दो, एबीडी इसकी बना दो, एबीडी एन कॉस 30 यहां, और बेटे यहां क्या आएगा, एन साइन 30, किसका कंपोनेंट, एन का, नॉर्मल का कंपोनेंट यहां एन कॉस 30, नॉर्मल का कंपोनेंट यहां एन साइन 30, सिमिलरली एन का कंपोनेंट यहां क्या आएगा, यहां आएगा एन का कंपोनेंट, इसकी इसकी वजह से एन साइन 30, और इसकी वजह से क्या आएगा यहां इस डायरेक्शन में एन कॉस 30, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। तो ये n cos 30 और n cos 30 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों बेटा, क्योंकि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, इक्वल बट
अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बेटे ये दोनों तो कैंसल, इसके साथ हमारा कुछ भी है ही नहीं। तो बेटे नीचे क्या है, अब यहाँ देखो बेटे, यहाँ डायग्राम बनाएंगे इसकी। देखो बेटा नीचे है एम जी, बेटे यहाँ क्या, ये हॉरिजॉन्टल है और बेटे ये वर्टिकल है। ये नॉर्मल इसके साथ कितना बनाता है एंगल, हॉरिजॉन 30, और बेटे ये नॉर्मल भी इसके साथ कितना बनाता है एंगल 30, ठीक है ना, ये भी 30 बनाता है 30। ये नॉर्मल इसके साथ 30 बनाता है, ये नॉर्मल इसके साथ 30 बनाता है। तो ये नॉर्मल का कौन सा कर्ण, एन कॉस 30, फ्री डायग्राम एबीडी। एबीडी किसके लिए, 5 kg बॉल के लिए, इसका मास है 5 kg, ठीक है ना, ये मास है 5 kg, 5। ओके तो बेटे यहाँ एम जी मैंने लिखा, बेटे यहाँ के एन, तो ये क्या है एन साइन, अब ये इसका कंपोनेंट क्या है, ये एन कॉस 30, तो ये क्या होगा एन साइन 30, एन साइन 30। अब यहाँ क्या है इसका, ये एन कॉस 30, और बेटा एन का यहाँ क्या है, एन का यहाँ है एन साइन 30। तो देखो बेटे क्या है, ना नॉर्मल यहाँ आएगा, देखो बेटा एन साइन 30 प्लस एन साइन 30 किसके बराबर आएगा, एम जी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगी। तो लिख लो वर्टिकली, यहाँ बेटे एक बात है, वर्टिकली ले लो सेपरेट इक्वेशंस, हॉरिजॉन्टली ले लो सेपरेट इक्वेशंस, बिकॉज़ वी हैव रिजॉल्वड दीस कंपोनेंट्स। व्हेन वी टेक रिजोल्यूशन यू कैन टेक सेपरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, यू कैन टेक सेपरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ क्या है, वाई एक्सिस में क्या आ रहा है बेटा, देखो बेटा क्या आ रहा है वाई एक्सिस में, देखो बेटा क्या है, तो ये एन साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा, ये बॉल रेस्ट में है, रेस्ट में। तो सम ऑफ फोर्सेस क्या आना चाहिए, जीरो। तो ये तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो ये है, दैट इज नेट फोर्सेस जीरो, क्योंकि ये और ये कैंसिल। अब एन साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी, देन देन एंड ओनली देन दिस विल बी एट रेस्ट, बिकॉज इट इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, आपकी फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं यहाँ बेटा, इट इज एट रेस्ट। तो जब ये रेस्ट में है बेटा, तो एन साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा किसके बराबर आना चाहिए, एम जी। तो बेटा क्या लिखेंगे, टू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा टू, ये एन निकाला है एन, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा तो 30 है यहाँ, साइन 30 है यहाँ बेटा, साइन 30 सॉरी, ये थीटा के बदले क्या है 30। ओके बताइए बेटा क्या है, एन साइन थीटा प्लस एन, ये 30 है, 30 30 है ना, एन साइन 30, एन साइन 30। तो ये ट्वाइस एन साइन 30 इज इक्वल टू एम जी। एम कितना है बेटा, एम, एम तो यहाँ 5 kg है, और जी कितना है 10। तो ट्वाइस एन साइन 30 किसके बराबर है, साइन 30 बेटा होता है बराबर 1/2, साइन 30 किसके बराबर है 1/2, इज इक्वल टू, ये एन है बेटा यहाँ एन, इज इक्वल टू 50। ओके बट टू एंड टू गेट्स कैंसिलर, देयरफॉर बेटा एन किसके बराबर है, एन आया 50 न्यूटन। बात आई समझ में, तो क्या है नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल किसके बराबर है, ये नॉर्मल यहाँ, ये नॉर्मल, ये भी 50, और बेटे ये नॉर्मल भी 50। ओके वेरी नाइस, तब तो नहीं है ना, रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर आना चाहिए बेटा, कुछ भी नहीं है, रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर यू शुड नो। ओके वेरी नाइस, आर यू गेटिंग दिस, आई विल हियर सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम दैट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स। ओके ये बेटा आई बात समझ में, बात आई समझ में बेटा, ये एन मैंने यहाँ कंपोनेंट एन कॉस थीटा, इस एन का यहाँ एन कॉस थीटा, लेकिन ये और ये कैंसिल, लेकिन यहाँ इसका एन साइन 30, क्योंकि यहाँ ये कंपोनेंट एन और इसका ये एन साइन, ये दोनों, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तभी नेट फोर्स इस 5 kg पर कितना आएगा, जीरो। ये मैंने किया बेटा यहाँ, वहां से सीधे हमको क्या मिल गया, एन इज इक्वल टू 50 newtons। आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ, ओके वेरी नाइस, कर लो। एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, देखो बेटे एक और क्वेश्चन करेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे यहाँ बेटा, देखो क्या है, ये क्वेश्चन इज नीट में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं। ओके सी नाउ, नाउ वन मोर क्वेश्चन हियर डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी नाइस, अच्छा सा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या, अब ऐसे मैंने किया, एक ऐसे मैंने ले ली, एक ऐसे बेटा यहाँ बनाया, यहाँ बनाया सीडीएर, ऐसे ऐसे मैंने किया बेटा, यहाँ ऐसे यहां से यहां तक ये 4 meter है, कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों वालों के दरमियान कितनी है, ये है वर्टिकल वॉल, लेकिन ये है यहाँ हॉरिजॉन्टली, कुछ हॉरिजॉन्टली ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली प्लेन यहाँ। ओके वेरी नाइस, यहाँ बेटा मैंने एक स्फेयर ले लिया, एक बॉल ले ली, गोल बॉल, गोल बॉल यहां रखी, बॉल क्या रखी बेटा, यहाँ बॉल, ठीक है ना, और ये दिया गया है कि बॉल का मास है 10 kg, कितना है बॉल का मास 10 kg, और रेडियस ऑफ बॉल का कितना है दिया गया बेटा 5 meter, कितना दिया गया 5 meter, रेडियस ऑफ दिस बॉल इज, रेडियस ऑफ दिस बॉल इज बेटा, इसका रेडियस कितना, यहाँ रेडियस, यहाँ ये रेडियस कितना है इस बॉल का, ये है 5 meter, कितना है बेटा 5 meter। ओके वेरी नाइस, ओके द डिस्टेंस बिटवीन दिस बेटा, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस, 4 meter नहीं 8 meter है, 8 meter,
डे है यहाँ तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं था, तो वो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ बेटा कितना ये डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों वर्टिकल यहाँ जो है ना वर्टिकल स्टैंड इनके दरमियान कितनी डिस्टेंस है डी, 8 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर नहीं। तो बेटे देखो क्या है, यहाँ से रेडियस कितना है इसका 5 मीटर और एम कितना है 10 kg। फाइंड महीने के बैलों का फाइंड, फाइंड नॉर्मल फोर्स यार, फाइंड नॉर्मल फोर्स। ओके मैंने कहा कि नॉर्मल पहले ड्रा करना आना चाहिए, कि हाउ वी कैन ड्रा नॉर्मल, जब नॉर्मल ड्रा करना आएगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना यहाँ, ठीक है ना। देखो बेटे क्या है, तो यहाँ ये है पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर नहीं डाला, यहाँ सरफेस है किसकी, यहाँ सरफेस है कर्व सरफेस, बाल की सरफेस पर डालो क्या बेटा नॉर्मल, क्योंकि जब जूम करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट एज है, एज तो ये पॉइंट है, लेकिन ये है यहाँ, यहाँ सरफेस तो है, मान लिया कि यहाँ भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, लेकिन सरफेस किसकी आनी चाहिए यहाँ, यहाँ तो सरफेस करो किसकी कंसिडर, क्योंकि अगर आप जूम करके करोगे, जूम करके स्ट्रेट लाइन लगेगी तो सरफेस पर होगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे आएगा बेटा, ऐसे नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे आएगा, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं, जब भी किसी सरफेस पर होता है तो इस परपेंडिकुलर को इसका नाम होता है नॉर्मल, नॉर्मल किस किस परपेंडिकुलर का नाम होता है नॉर्मल, जब वो किसी सरफेस पर हो, तो ये सरफेस पर हो तो ऐसी किसकी सरफेस, वक्त किसी सरफेस लेनी चाहिए इसकी, ठीक है ना, बॉल की, तो यहाँ कैसे आएगा बेटा, यहाँ ऐसे नॉर्मल आएगा, ठीक है ना। ये रेडियस है इसका, ये रेडियस कितना है बेटा, ये रेडियस है यहाँ, यहाँ लिखेंगे रेडियस, ये रेडियस है, ये ओ सेंटर है, तो यह 5 मीटर, ठीक है ना। ओके ये क्या है बेटा, ये है नॉर्मल, ओके दिस इज नॉर्मल, ओके ये यहाँ नॉर्मल की डायरेक्शन ऐसी, अगर यहाँ लेंगे ओके बेटा यहाँ लेंगे बाहर लेंगे, ये नॉर्मल है ऐसे, और बेटा ये यहाँ रेडियस ऑफ दिस इज 5 मीटर, ये लिखना, तो रेडियस थोड़े सारी ये बढ़ाएंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल बेटा यहाँ ऐसे, ठीक है ना, ये नॉर्मल यहाँ ऐसे, ये नॉर्मल यहाँ ऐसे, इस पर नॉर्मल सर्विस किसकी सर्विस, बॉल की सर्विस पर, यहाँ बॉल की सर्विस पर नॉर्मल ऐसे है बेटा, एंड वी हैड फाइंड दिस नॉर्मल फोर्स यहाँ, जबकि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 मीटर एंड मास ऑफ दिस सर्कुलर बॉल इज हियर 10 kg, स्पेक्टर बॉल रहा इसका है 10 kg, और यहाँ इन दोनों यहाँ पिलर के दरमियान, इन दोनों जो वर्टिकल पिलर इनके दरमियान 8 मीटर। देखो बेटा अगर ये 8 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो ये तो सर, ये तो सिमेट्रिकल है यहाँ अराउंड दिस एंड दिस, तो बेटे यहाँ से यहाँ तक ये होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है। ओके वेरी नाइस, मान लीजिए कि यहाँ इस पॉइंट का नाम ए लिखो, ए और बी कुछ लिखो यहाँ, ओके वेरी नाइस, यहाँ मत लिखो तो बेटा बात आई समझ में, तो अगर यहां से यहां तक ए टू बी कितना है 8 मीटर, सॉरी यहां लिखेंगे सी, ए टू बी कितना है 8 मीटर, ए टू सी कितना होगा 4 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक ये रेडियस ऑफ द बॉल है तो 5 मीटर है, यहां से यहां तक 8 मीटर है, लेकिन इसका ये सिमेट्रिकल है ना स्क्वायर यहां, तो यहां से यहां तक कितना होगा 4 मीटर, यहां से यहां तक भी 4 मीटर, और तब ये 8 मीटर आएगा। ओके वेरी नाइस, आप देखो बेटा क्या है, देखो अगर ये यहां बनाएंगे इसकी फ्री एक और डायग्राम यहां बेटा, देखो पहले ये बनाएंगे, ये बनाएंगे पहले, फिर बनाएंगे वो, देखो आप यहां ये बॉल ऐसी, ये बॉल, ओके वेरी नाइस, दिस बॉल हियर, तो मैंने कहा कि बेटा ये कितना है यहाँ, ये सेंटर बॉल ऑफ द, तो ये 5 मीटर है, और बेटा ये 4 मीटर है, ऐसे मैंने कहा कि ये अगर ये 4 है, ये 5 है, लेकिन ये यहाँ 90 है, ये इसका सेंटर है और मैस इसका बॉल का 10 kg है। देखो अब नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल निकालने, नॉर्मल कैसे है बेटा, यहाँ मैंने कहा कि नॉर्मल ऐसी है, ये है N1 और ये भी बेटा क्या है, ये है N, ये नॉर्मल है, ओके ये निकालना है, वी हैड फाइंड दिस, दिस टू नॉर्मल ऑन दिस सर्फेस एंड हियर इट इज ऑन दिस सर्फेस हियर। ओके देखो बेटा क्या, अब मैंने कहा कि क्योंकि ये 8 मीटर है, तो अगर ये 8 मीटर यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक कितना होगा 4 मीटर। ओके देखो ये थीटा, अब ये थीटा हमको चाहिए, ये थीटा, ये आसान से देखो बेटा क्या, कॉस ये 90 है यहाँ, यहाँ ये 90 है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस 37 इज इक्वल टू 4/5, आपको पता है cos 37 is equal to 4/5, तो ये थीटा किसके बराबर आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 37 आएगा, आपने निकाला कोई एंगल 37 के बराबर, क्यों, cos 37 इन दिस ट्रायंगल इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये थीटा किसके बराबर आएगा, ये थीटा आएगा यहाँ 37 के बराबर। ओके वेरी नाइस बेटा, अब सब कुछ यहाँ बेटा हमारा हो गया सब कुछ, ओके ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का यहाँ।
देखो बेटे क्या है, आप यहाँ क्या करोगे, अगर ये भी कितना होगा, यहाँ ये भी होगा 37, सिमेट्रिकल है ना, ये सिमेट्रिकल है, ये भी होगा बेटा कितना 37 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी ये 4 होगा और यहाँ भी ये 5 होगा। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा क्या है, आप करेंगे यहाँ यहाँ में हॉरिजॉन्टल एक लाइन होगा, ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो बेटा ऐसे, अगर ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये 37 है बेटा, ये भी कितना होगा 37, ये बात आई समझ में बेटा, क्या मैंने कहा बेटा, समझ लो, आसान क्वेश्चन है, नीट में कुछ भी नहीं आता, लेकिन सोचने की थोड़ा सोच लो बेटा और कंसंट्रेट करो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, अब हमने निकाले 37 और ये भी कितना होगा 37, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, बिकॉज दिस एक्सरसाइज है नॉर्मल एक्सरसाइज है ट्रांसवर्सल, एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज बोथ आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये 37 है बेटा, ये भी होगा 37, बात आई समझ में, हाँ ओके वेरी नाइस, अगर ये 37 है बेटा, यहां इसको बढ़ाएंगे, यहां यहां भी कितना होगा सर, ये भी होगा 37, ये भी होगा 37, क्यों, अगर ये 37 है, ये भी 37, क्योंकि यहां ये ट्रांसवर्सल होगा और ये टू लाइन्स पैरेलल होंगी, अगर ये 37 है, ये भी 37 है, देखो बेटा क्या, आप देखो तमाशा, सीधी अब बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, यहां देखो, यहां ये मैस मैस, तो यहां रखो मैस, कितना है बेटा इसका मैस, तो इसका 10 kg है, ये तो पता है, एफबीडी किसके लिए, एफबीडी फॉर 10 kg मैस के लिए, किसके लिए, एम इज इक्वल टू 10 kg, यहां बेटा लिखेंगे, ये है नीचे वाला फोर्स, हमेशा की तरह क्या होता है, एम जी, एम कितना है बेटा, यहाँ एम तो यहाँ है 10 एंड जी इज 10, तो 10 × 10 = 100, कितने न्यूटन है, वेट कितना है इसका 100 न्यूटन, इस बॉल का वेट कितना है वर्टिकली, वो 100 न्यूटन है, 10 × 10, 10 इज द वैल्यू ऑफ दिस मैस, एंड 10 इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड 10 × 10 = 100 न्यूटन, ओके वेरी नाइस, देखो बेटा, अब यहां से ये क्या, ये ले लो बेटा, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बेटा क्या, ये है वर्टिकल लाइन, ओके वेरी नाइस बेटा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर नॉर्मल ऑन द सरफेस, एंड दिस इज योर नॉर्मल, एंड दिस मेक्स एन एंगल, कितना बनाते हैं 37, और यहां बेटा कितना बनाते हैं 37, क्योंकि क्लियर फ्रॉम दिस, अब बेटा देखो क्या, नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस नॉर्मल अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल, एंड कॉस 37, सर यहां भी आएगा इसका, इस नॉर्मल का कंपोनेंट क्या आएगा, ये एन कॉस 37, सर यहां आएगा, यहां ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, सर यहां होगा एन 737 ड्यू टू दिस, एंड एन 737 ड्यू टू दिस, तो ये होगा एन 7, एन साइन 37, सॉरी साइन 37, ठीक है ना, इसका ये कंपोनेंट आएगा यहां एन कॉस 37, इस एन का ये आएगा कंपोनेंट एन कॉस 37, लेकिन इस एन का ये एन साइन 37, और इस एन का यहां एन साइन 37, ये और ये कैंसल, देयर नेट इज जीरो बिकॉज इट इज एट रेस्ट, नाउ सम ऑफ दीज टू मस्ट, दीज आर अपवर्ड फोर्सेज, दिस इज डाउनवर्ड फोर्स, सो सम ऑफ दीज टू अपोजिट फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू दिस वेट, तभी ये किसमें आएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, एंड हियर इज ऑल्सो Newton's first law of motion, a body will be at rest when sum of forces acting on it is zero. Okay. तो निकालो बेटा क्या आएगा बेटा, यहाँ यहाँ लिखेंगे ऐसे बेटा, अगर यहाँ लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बेटा, यहाँ ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n sin 37 plus n sin 37 is equal to mg. mg किसके बराबर है बेटा, यहाँ is equal to mg. यहाँ ये लिखेंगे ऐसे, यहाँ लिखेंगे बेटा, देखो क्या, यहाँ एन साइन 37 प्लस एन साइन 37 बेटा किसके बारे में, ट्वाइस एन साइन 37 इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम है 10 × 10 × 10 = 100, तो 100 न्यूटन लिखो बेटा, 100 न्यूटन लिखो, तो ये आएगा बेटा ट्वाइस एन, एन तो ऐसे ही लिखो, लेकिन साइन 37 आप सबको पता है 3/5, किसी बात है, यहाँ बेटा ट्रैंगल, ये ट्रैंगल सबको पता है, ऐसी ट्रैंगल, अगर यहाँ बेटा 37 लिखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 होता था, साइन 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 लिखा, इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है ना, तो देखो बेटा क्या है, 2 यहाँ ऐसे लिखेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 and 0, ठीक है ना, तो 3 × n = 3n is equal to 50, ठीक है ना, डिनोट बेटा क्या, एन किसके बराबर आएगा, एन एन आएगा बेटा 50/3, अरे ये थोड़ा गलत, देखो बेटा क्या है, सीधी या ऐसे लिखो, अगर किसी को प्रॉब्लम, कुछ बच्चे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधे 2 लिखो, 2 × 10 × 33/5, यहाँ 100 है, देखो बेटा, अब ये एन किसके बाद आएगा, एन यहाँ आएगा बराबर, जो यहाँ मल्टीप्लाई है वो यहाँ डिवाइड हो जाएंगे, जो यहाँ डिवाइड है वो यहाँ मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 100 × 5 डिवाइडेड बाय दिस 2 एंड 3 विल गेट डिवाइड 2 × 3, ठीक है ना, ओके सर, हमको बात आई समझ में, 2
टू वन जार टू, टू फाइव जार टेन एंड जीरो बेटे क्या आएगा बताइए, फाइव जीरो जीरो, फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई थ्री एंड दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके वेरी नाइस, तो नॉर्मल क्या आ गया, देयरफॉर बेटे यहां लिखेंगे नॉर्मल किसके बराबर आया, नॉर्मल आया किसके बराबर 250 बाई 3 न्यूटन में, ये न्यूटन क्योंकि फोर्स है, रीजन नॉर्मल इज ए फोर्स तो ये न्यूटन में आएगा। क्या आंसर आया बेटे यहाँ, यहाँ लिखेंगे ऐसे, ये लिख लिया, हाँ ये लिख लिया, ये डायग्राम बना ली, हाँ सर बना ली। देखो बेटे यहां बनाएंगे, यहां लिखेंगे एन इज इक्वल टू कितना है नॉर्मल 250 डिवाइड बाई 3 और ये बेटा है यहाँ न्यूटन में क्योंकि नॉर्मल होता है फोर्स तो न्यूटन में। ओके मजा आया, ये क्वेश्चन जेई में आते हैं, नीट में आते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन है ये बेटा, ये ऐसी वैसी क्वेश्चन नहीं है। समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आई बात। एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज के इस सेशन का, देखो बेटे के आखिरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक। ओके वेरी नाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, सी डियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या है सी डी एर, यहां मैं एक अगेन एक वॉल्व में, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, ये है ग्राउंड बेटा, ठीक है ना। यहां मैंने ऐसी थोड़ा यहां बनाई क्योंकि यहाँ ऐसे बेटा, ठीक है ना, ऐसी और बेटे यहाँ ऐसी है, ठीक है ना, ये वर्टिकल वॉल है। ओके वेरी नाइस, स्मूथ, दीज वॉल्स आर स्मूथ बेटा, क्योंकि फ्रिक्शन अभी मैं हमने क्या नहीं, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं हमने लिया। ओके बेटे यहाँ एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट है बेटा, यहाँ इसका वेट है 10 kg, ये 10 kg ब्लॉक है, 10 kg, ठीक है ना। और एक ब्लॉक ले लिया यहाँ बेटा, इसका जो वेट है दैट इज 20 kg, मैस, सॉरी वेट नहीं, मैस, मैस इसका 10 kg है और बेटा इसका क्या है 20 kg। जबरदस्त क्वेश्चन है ये बेटा। और यहाँ किसी ने धक्का दे दिया, किसी लड़के ने या किसी ने भी, किसी बॉय ने या किसी ने भी, किसी कोई भी हो यहाँ, तो फोर्स लगा यहाँ कितना, हम यहाँ अप्लाई करते हैं 100 N, कितने कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम धक्का देंगे धक्के से यहाँ आएगी, यहाँ भी नॉर्मल, यहाँ वर्टिकल में भी अपना नॉर्मल है, यहाँ क्योंकि यहाँ नॉर्मल है ना अपवर्ड्स, यहाँ इसके लिए नॉर्मल अपवर्ड्स, लेकिन जब हम धक्का देंगे ऐसे पुश करेंगे तो यहाँ नॉर्मल हॉरिजॉन्टली भी प्रोड्यूस होगा, हॉरिजॉन्टली जनरेट होगा बिटवीन दीज टू कॉन्टैक्ट सरफेस 10 kg एंड 20 kg के दरमियान। बात आई समझ में, फाइंड नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल फोर्स, हर कोई नॉर्मल होकर फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन किस पर, नॉर्मल फोर्स ऑन 10 kg एंड 20 kg बॉडीज, इन पर क्या मालूम करो, फाइंड नॉर्मल ऑन 10 kg एंड 20 kg। कुछ आई बात समझ में, आसान सा क्वेश्चन, इसको फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे ना, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देंगे आपको, लेकिन पहले ही समझ लो। तो क्या करोगे आप इसके लिए बेटा, क्या करोगे बताओ, तो आसान है ना सोल्यूशन इसका, देखो बेटा क्या, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो बेटा आप क्या करोगे, जब आप धक्का दोगे इसको, पहले एबीडी बनाओ, किसके लिए एबीडी, एबीडी बनाओ बेटा किसके लिए, 10 kg के लिए, किसके लिए 10 kg के लिए, ओके 10 kg के लिए बना। तो पहले आप लोगे यहां, यहां लो बेटा, यहां ऐसे लेंगे, तो मैंने कौन सी बॉडी ले ली, मैंने ये 10 kg वाली ले ली, तो यहां के नीचे इसका, नीचे बेटा इसका वेट है दैट इज mg, मैस कितना है इसका बेटा 10 और जी कितना है 10, तो 10 × 100 N। लेकिन यहां कितना लग रहा है, यहां फोर्स कितना लग रहा है बेटा, यहां कितना कितना कोई पुश कर रहा है 100 N से, तो यहां होगी, जब यहां तो यहां होगा, दिस विल एक्सर्ट, दिस इज दैट इज हियर, दिस विल एक्सर्ट, देखो बेटा ये इस पर फोर्स करेगा ऐसे, जब बेटा यहां यहां दिखाएंगे थोड़ा ऐसी ऐसी बेटा, देखो क्या है, इसको हम एनालाइज करेंगे थोड़ा यहां आपकी खातिर। अगर यहां बेटा 100 N है तो ये इसको यहां, दैट इज दिस इज फर्स्ट बॉडी, दिस इज सेकंड, तो इसको कहेंगे N2 1, नॉर्मल फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट की डायरेक्शन ऐसी, सॉरी यस नॉर्मल की फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट तो यहां होगा, लेकिन ये वापस देगा दैट इज N12, दैट इज नॉर्मल ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ठीक है ना। देखो बेटा साफ बनाएंगे, साफ साफ बनाएंगे, ये है 10 वाला, ये 20 kg है, जब यहां धक्के दी रही किसने 100 N से, तो यहां भी नॉर्मल आया बेटा, इस नॉर्मल को कहेंगे N2 1, दैट इज नॉर्मल फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट ड्यू टू कंप्रेस, क्योंकि कंप्रेस हुआ ना इसे, तो यहां बेटा ये वापस देगा ना, ये भी इसको कंप्रेस करेगा, जब ये इसको कंप्रेस करेगा ये वापस कंप्रेस करेगा, क्यों, क्योंकि ये बांधा हुआ है ना, ये यहां बेटा टाइटली किसके साथ है, ये बॉल के साथ है, ये वापस देगा, तो क्या देगा बेटा N12 नॉर्मल ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो आप बनाइए, देखो बेटा
अब इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं स्टेन केजी पर, स्टेन केजी पर कौन कौन से फोर्स, यहाँ तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है 100 न्यूटन, एक और यहाँ तो ऑलरेडी सब क्वेश्चन के लिए यहाँ तो वेट है, और यहाँ इस पर लग रहा है बेटा कौन सा फोर्स लग रहा है, L12, that is force on first due to second, that is force on 10 kg due to 20 kg. तो बेटे यहाँ क्या है, ये तो यहाँ normal है, normal, this is as usual normal for किस body के लिए, 10 kg body के लिए, 10 kg body के लिए क्या है बेटे ये normal, तो निकालो, अब निकालो इसके लिए, तो बेटे इजी है, तो n किसके बराबर आएगा, ये normal, ये vertical normal किसके बराबर आएगा, vertically जो होता है, क्योंकि यहाँ भी compress हो रहा है, horizontally भी compress हो रही है, तो n is equal to किसके बराबर, 100 newton हो गया ये. ओके दिस वर्टिकली अब ये क्या हॉरिजॉन्टली क्या है, तो यहाँ क्योंकि ये रेस्ट में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम रेस्ट है, ये कहीं नहीं जाएगी, तो सीधे N12 दे बेट बेट N12 किसके बराबर आएगी, N12 किसके बराबर आएगी 100, क्यों, जब ये फोर्स इसके बराबर हो तब ये किस पे आएगी बेटा रेस्ट में, तो N12 किसके बराबर है 100, इजी है टफ, अरे सर इजी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगा ना आगे आगे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करूंगा, स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो, थोड़ा थोड़ा समझ लो, अब किस पर एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ये 10 केजी पर एफबीडी थी, 10 केजी के लिए एफबीडी, अब एफबीडी बेटा किसके लिए, फॉर 20 केजी के लिए, 20 केजी के लिए, ये बेटा मैंने बनाई 20 केजी, ठीक है ना, ये वाला फोर्स कितना, यहां तो ये क्या फोर्स लगा इस पर, इस पर डायरेक्ट क्या लग रहा है, N21 लग रहा है, N21 लग रहा है, that is force on second due to first, यहाँ N12 था इसके, इस पर N12 था, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, इस पर N21, ये नहीं लग रहा है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, ये नहीं लग रहा है, इसको ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लग रहा है N21, और यहाँ वार की वजह से क्या लगेगा बेटा, ये लगेगा नॉर्मल फोर्स ड्यू टू किस पर, टू, लेकिन ड्यू टू वॉल, नॉर्मल फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वॉल, जितना ये वॉल पर करेगा, जितना ये वॉल पर करेगा नॉर्मल फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू सेकंड बॉडी, इतना ये वॉल किसको देगा नॉर्मल फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू वॉल N2W, ठीक है, ये भी निकालो, तो बेटे यहाँ क्या ये आगे पता है कि इसका वेट कितना है, दैट इज mg, और m कितना है इसका बेटा 20, g कितना है इसका 10, तो नीचे क्या है इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, इस बॉडी के लिए नॉर्मल कितना होगा, वर्टिकल नॉर्मल ये होगा बेटा, यहाँ की है 200 न्यूटन, तो बेटा अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो बेटा बताइए किसके बराबर आएगा n, n आएगा यहाँ 200 न्यूटन हो गया ये क्वेश्चन, This is normal reaction, लेकिन vertically. अब normal reaction N21, because N12 is equal to N21, अगर ये 100 है, therefore बेटा N21 is, ये भी किसके बाद 100, लेकिन N12 बेटा ऐसे है, लेकिन N21 ऐसे है, लेकिन N12 कैसे आएगा बेटा, N12 ऐसे है, लेकिन N21 ऐसे है, तो मैं जो दोनों का सेम है, मैंने अगर ये N12 100 है तो N21 कितना होगा, ये भी 100, लेकिन N12 ऐसे इस बॉडी के लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए, लेकिन N21 20 के लिए ऐसे, क्योंकि हम ये इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस देख रहे हैं, कितने एक्सटर्नल फोर्सेस पर लग रहे हैं, इंटरनल नहीं, तो देखो बेटा N21 इज इक्वल टू 100, तो बेटा यहां क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए देखो बेटा इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो N21 इज 100, यहां लिखेंगे N21 शुड बी इक्वल टू किसी बार N2W, तब ये रेस्ट में आएगी, N21 शुड बी इक्वल टू N2W, लेकिन N21 कितना है बेटा 100, तो इज इक्वल टू N2W, तो कितना आ गई, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू वॉल, दैट इज 100, तो देयरफॉर बेटा नॉर्मल रिएक्शन ऑन वॉल ड्यू टू सेकंड वो भी होगी 100, लेकिन एक बात, अगर वॉल पर तो ऐसी, लेकिन अगर बॉडी पर तो ऐसी, बॉडी पर, लेकिन हमको बॉडी पर देख रहे हैं तो ये ऐसी है, ओके आई बात समझ, अरे आई बात समझ में, N2W is 100, therefore NW2 will be also 100, but this is normal force on second body due to wall, but this is normal force on wall due to second body, they are meant to be same but direction is opposite, okay, wish you all the best of luck, iske sath hi aaj ka lecture khatam ho jata hai, lekin ek baat kahenge beta thoda iske baith hi aake, अगर आप इसको कंप्लीकेट करके, देखो इस क्वेश्चन को कंप्लीकेट कर सकता हूं मैं, अगर कहीं ऐसी हो यहां कोई फोर्स लगेगा, मान लीजिए इन एडिशन यहां देंगे, यहां कोई धक्का दे रहा है ऐसी इसको 50 न्यूटन से, तो क्या आप इसको एनालाइज कर सकते हो, हाँ नॉर्मल के अलावा यहाँ कौन सा फोर्स लगा है, ये तो नॉर्मल यहां देखा, नॉर्मल ऐसी लेना चाहिए, लेकिन ये और ये लेना चाहिए, ये घर में कर लो, ट्राई कर लो, अगर नहीं आएगा ना दिखाऊंगा, क्वेश्चन कॉम्प्लीकेट हो जाएगा, करूंगा करूंगा या नहीं करूंगा, चलो करूंगा आपकी खातिर, देखो बेटा सीडीएल, अगर यहाँ लगने वाला एक और फोर्स 50 न्यूटन है तो ये क्या बनेगी, ये तो क्वेश्चन तो कर लो पहले कंप्लीट, देखो बेटा क्या होगा, अब यहाँ ऐसे बनेगा, देखो बेटा ये किस पर, सेकंड बॉडी के लिए क्या होगा, देखो सेकंड बॉडी के लिए एफबीडी, अगर क्या, अगर इस पर मजीद लगेंगे 50 न्यूटन इन एडिशन टू, यहाँ तो नॉर्मल लगाए ऊपर,
ऊपर। इसके लिए एबीडी क्या होगी 20 kg के लिए। अब इस सूरत में कॉम्प्लिकेट करिए मेरी क्वेश्चन को, देखो बेटा इतना टफ नहीं होता है, ये आसान चीज है। देखो बेटे क्या है, यहाँ ऐसी मैंने ले लिया ऐसी। अब हमको सबको पता है कि ये यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है फोर्स, 100 लग रहा है ना, 100 यहाँ 100 न्यूटन। तो बेटा यहाँ कितना लग रहा है, ये भी 100 लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ कितना है बेटा, ये वेट इसका कितना है 20 × g, तो 10 दैट इज 200 न्यूटन। तो लेकिन यहाँ बेटा ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल के अलावा नीचे क्या लग रहा है बेटा, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन मैंने बढ़ाया। तो बता बेटा क्या है ना, ये नॉर्मल तो पता है कि ये हमको क्लियर है, इसके साथ कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ वर्टिकल में प्रॉब्लम है। ये तो क्लियर है, ये यही है जो है यही सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल के लिए क्या होगा, वर्टिकल के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ वर्टिकल के देखो बेटा क्या है, यहाँ मैं ऐसे बॉल ये पॉइंट मास है बड़ी, यहाँ बेटा नीचे कौन सा फोर्स, दैट इज 200 न्यूटन दैट इज mg, नीचे एक और फोर्स कितना है 50 न्यूटन, लेकिन ऊपर नॉर्मल किसके बराबर आएगा, यहाँ ये नॉर्मल आएगा। इस सूरत में नॉर्मल विल कम आउट टू बी एज दिस प्लस दिस दैट इज 50 + 200। तो बेटा किस कितना आएगा 250 इस सूरत में, इस सूरत में नॉर्मल कितना, क्योंकि प्रेसिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये भी प्रेस करने से और यहां आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो कितना बढ़ गया 250। आज था ना 200, इसकी वजह से वेट की वजह से प्रेसिंग हो रही थी 200 न्यूटन, तो ये ऊपर आया था 200, लेकिन प्रेसिंग यहां और हो रही तो ये नॉर्मल ज्यादा आएगा, कितना आएगा 200 + 50 200 250 न्यूटन। ओके विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, ओके वेरी नाइस।